नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। यहाँ पर हम जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में हमने कोशिका संरचना पढ़ी है। कोशिका संरचना में क्या केंद्र कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा कर रहा था, तो अपन ने कल कोशिका विभाजन थोड़ा पढ़ा था। आज अपन कोशिका विभाजन के बारे में डिटेल में जानेंगे। कोशिका विभाजन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, किसने कोशिका विभाजन खोज की, कोशिका विभाजन कब हुआ, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की कोशिका विभाजन किसने किया, बिरजू नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका विभाजन किया 1855 में। एक बिरजू बायोलॉजी के वैज्ञानिक, उन्होंने 1855 में कोशिका का विभाजन किया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने बताया कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देना है। मतलब एक कोशिका विभाजन मतलब क्या है, एक कोशिका से उसी के जैसी उसी के समान और भी कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिका मतलब डॉटर, इंग्लिश में कहते हैं डॉटर, मतलब उसी के समान और कोशिकाओं का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, एक कोशिका का कार्य क्या है, एक कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतक, ऊतक मतलब टिश्यूज, एवं के पुनरुद्धार एवं नवीन अंगों की वृद्धि एवं लैंगिक अलैंगिक जनन में सहायक होते। कोशिका विभाजन क्या है, नए अंगों के निर्माण में, लैंगिक अलैंगिक जनन में, अगर कोई टिश्यू है ऊतक अपना क्षतिग्रस्त हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसके पुनरुद्धार मतलब उसको दोबारा ठीक करने में मददगार होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मुख्य क्या था अपना, केंद्र। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। कोशिका विभाजन सामान्यतः दो प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, सामान्यतः कौन कौन सा होता है अपना, समसूत्री और अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। सामान्य तौर पर कितने प्रकार के होता है कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, पर एक तीसरे प्रकार का भी अपना असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है दोस्तों, पहले पढ़ते हैं अपन असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं। अविभाजन आदिम जीवो, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन का मतलब यहाँ पर केंद्रक का प्रत्यक्ष रूप से विभाजन अपन को देखने को मिलेगा। ये किसके अंदर होता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, छोटे छोटे जो जीव है मूलरा जगत में आ गए थे जैसे कुछ, तो उनके अंतर्गत ये पाया जाता है असूत्री कोशिका विभाजन। प्रत्येक भाग में एक केंद्रक और होता है, जैसे सभी में प्रत्येक सभी भाग होंगे जितने भी कोशिका होंगे उन सब में एक केंद्रक जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं अपन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अब जानते हैं अपन समसूत्री विभाजन सामान्य तौर पर कौन से होते हैं, समसूत्री और सूत्री, तो यही अपने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत जानते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है। इसे क्या कहते हैं अपन समसूत्री विभाजन को, परोक्ष भी कहते हैं, परोक्ष केंद्रक विभाजन। जी क्या था अपना, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट विभाजन किया था अपन ने केंद्रक का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इनडायरेक्टली अपन विभाजन करेंगे केंद्रक के बारे में। इसका विभाजन किसने किया, इसके बारे में मतलब किसने बताया, वो थे अपने फ्लेमिंग महोदय, वाल्थर फ्लेमिंग महोदय। समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया, वाल्थर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने अपन को समसूत्री विभाजन के बारे में बताया 1882 में, संति 1882। कोशिका विभाजन हो गया 1855 में, तो समसूत्री के बारे में बताया वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882। समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, मतलब कोशिका विभाजन इस प्रकार इसका कार्य है, कोशिका व शरीर काय कोशिकाओं से बना होता है। इन्होंने बताया समसूत्री विभाजन में शरीर अपना काय कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। जो मात्र कोशिकाएं होती है मतलब माता की कोशिकाएं होती हैं, वो टूटकर मतलब विभाजित होकर समसूत्री विभाजन अंतर्गत समान दो नई कोशिकाएं बनाती है। एक गुणसूत्र से क्या बनेंगे, दो बनेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कोशिकाओं में अपनी वृद्धि होगी। कोशिका में मतलब क्या, कोशिकाओं में वृद्धि हुई, कैसे टूट रही, एक से दो कोशिकाएं कैसे बन रही, इन्होंने बताया था। ठीक है दोस्तों, अध्ययन अब इसको अपन ने पढ़ने की दृष्टि से पांच भागों में और बांट दिया। समसूत्री विभाजन का तरीका क्या है अपन ने, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज, पांच भागों में से बांट दिया। प्रोफेज क्या है, कुछ के अंदर जो इम्पोर्टेंट कोई अपन पढ़ लेंगे, बाकी सिर्फ नाम जानना है अपन को। समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देंगे, पांच प्रकार, इंटरफेज,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। ठीक है दोस्तों, पहले जानते हैं अपन कौन सा है, इंटरफेज। इंटरफेज, इंटरफेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके अंदर हाइड्रेटेड कोशिका के कारण इसमें गुणसूत्र स्पर्श नहीं दिखाई देता। इसमें क्या है अपना पानी होता है, हाइड्रेटेड होता है, तो इसमें अपन को गुणसूत्र क्या है क्लियर दिखाई नहीं देंगे, गुणसूत्र क्लियर नहीं होंगे, मतलब अपन साफ साफ गुणसूत्रों को इसमें देख नहीं पाएंगे सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी। ठीक है, नहीं लगा रहा, गुणसूत्र क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है अपना प्रोफेज, यहाँ पे पानी था जो अपना हाइड्रेटेड, उसका क्या होने लगता है निर्जलीकरण, यहाँ पानी खत्म होने लगता है, तो अपना गुणसूत्र क्या है क्लियर दिखाई देने लगेंगे, यहाँ पे क्लियर होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरफेज में क्या है अपन को गुणसूत्र क्लियर नहीं दिखाया, सीधा पूरा गुणसूत्र कहाँ पे क्लियर दिखाई देते हैं, तो प्रोफेज में और इंटरफेज में क्लियर दिखाई देते। आगे के स्टेज में गुणसूत्र और भी क्लियर होते जाते हैं, मतलब अपन को और आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। असूत्री विभाजन पढ़ने से पहले एक और शब्द है अपना साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस केंद्रक के विभाजन के पश्चात, अपन ने केंद्रक का विभाजन किया था, मतलब कोशिका विभाजन करे तो उसमें कोशिका के अंदर क्या है अपना केंद्रक, केंद्रक के विभाजन पश्चात अपन किसका विभाजन करेंगे कोशिका द्रव्य का, अपनी कोशिका के अंदर क्या था केंद्रक था, कोशिका द्रव्य था, केंद्रक द्रव्य था, कोशिका झिल्ली थी, तो अपन ने अपना केंद्रक का विभाजन कर लेते पहले संसूत्र विभाजन, उसके बाद अपन क्या था साइटोकाइनेसिस, इसके अंदर क्या करेंगे अपन कोशिका द्रव्य का विभाजन करते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य का विभाजन को क्या कहेंगे अपन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन एनाफेज अवस्था से प्रारंभ होता है, कौन सी अवस्था से, इस अवस्था से, कौन सी अवस्था है संसूत्र विभाजन थी, उसके अंदर एनाफेज के अंतर्गत साइटोकाइनेसिस आता है, जिसमें अपना क्या होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, टेलीफेज के अंत में कोशिका द्रव्य बीचों बीच से अंदर की ओर धसना शुरू हो जाता है, एनाफेज के बाद कौन सी अपनी अवस्था आएगी टेलीफेज, इसके अंदर क्या होगा कोशिका द्रव्य होगा जो अपना अंदर की ओर धसना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या आएगा स्टार्ट हो जाएगा अपना संकुचन, अंदर की ओर धकेलेगा तो क्या होगा संकुचन की अवस्था आएगी, उसमें संकुचन की अवस्था आएगी तो क्या होगा वो टूटने लगेगा, धीरे धीरे कोशिका द्रव्य अंदर धसना और बढ़ता जाता है, एनाफेज में स्टार्ट हुआ, एनाफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी अपनी टेलीफेज, टेलीफेज में इसका धसना और भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे जब अंदर धसना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा अपनी कोशिका दो भागों में टूट जाएगी, कोशिका दो भागों में टूटेगी। ठीक है, संकुचन हुआ, संकुचन होगा तो धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आएंगे तो कोशिका दो भागों में टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन टूटना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे टूट के दो भागों में या तीन भागों में विभाजित हो जाए, इस प्रकार कोशिका एक कोशिका क्या है नई कोशिका का निर्माण हो जाए, जब कोशिका दो भागों में टूट जाएगी तो दो कोशिकाओं की तरह कार्य करने लगे, अभी एक कोशिका थी अब उन्हें उसके दो भाग हो गए, दोनों कोशिकाएं अलग अलग अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगी, इस प्रकार कोशिका द्रव्य में अपने दो भागों में कोशिकाएं टूट जाती है। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है अपनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब डॉटर सेल्स बन जाती है, एक कोशिका से क्या बनेगी दो कोशिकाएं, अब वो भी उनका भी संकुचन होगा कोशिका द्रव्य में संकुचन के कारण, तो क्या दो से क्या हो जाएगी चार हो जाएगी, ऐसी कोशिकाओं का विभाजन लगातार होता जाता है। अब अपन चलते हैं अपने इसमें एक और इम्पोर्टेंस, सभी सजीवों वृद्धि का आधार होती है, ये सजीवों वृद्धि का आधार क्या है साइटोकाइनेसिस, मतलब इससे ही तो अपने टूट रहे हैं, एक से दो ही दो से चार साइटोकाइनेसिस क्या है कोशिका द्रव्य अपना आधार है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस में ऑप्शन नहीं है, तो समसूत्री विभाजन अपना सजीवों में वृद्धि का आधार है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सजीवों में घाव का बढ़ना एवं अंगों का पुनर्निर्माण, सजीवों में घाव का बढ़ना एवं अंगों का निर्माण का पुनः निर्माण, जैसे अपन को कभी चूहे लग जाते हैं सजीवों को तो क्या है उनमें जो घाव भर जाते हैं, घाव अपने आप भरते हैं, ये अपन को पता लगे किस कारण भरते हैं कोशिकाओं के निर्माण का, वहां जहां पर अपन को घाव लगा वो कोशिका अपनी नष्ट हो गई, अब उसके लिए उसको समय बाद वहां पर नई कोशिकाओं का
उत्पन्न हो जाएंगे और भाव अपना भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अपने अर्धसूत्री विभाजन की तरफ। अर्धसूत्री विभाजन खोज किसने की? बीज मैन ने। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन खोज किसने की? बीज मैन ने। कब की? और इनका नामकरण किसने किया? 1905 में बीज मैन ने इसकी खोज की, नामकरण इसके अंदर नामकरण किया अपने फार्मर तथा मूरे ने 1905 में। 1905 में दो वैज्ञानिक हुए, फार्मर एवं मूरे, इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु या पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते। इस विभाजन क्या है? सजीवों में क्या बनेंगे, मतलब जंतुओं के अंदर क्या बनेंगे? अपने शुक्राणु और अंडाणु, पादपों के अंदर नर तथा युग्मक बनते हैं जिनके द्वारा जनन क्षमता विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इन कोशिकाओं को न्यूनकारी कोशिका, इसमें क्या होता है? और गुणसूत्रों की संख्या जितनी होगी उससे आधी हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी। इसलिए वो क्या कह देते हैं? न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कह देते हैं उसको। असूत्री विभाजन दूसरा नाम क्या है? न्यूनकारी कोशिका विभाजन। असूत्री का था प्रत्यक्ष, समसूत्री का परोक्ष और सूत्री का न्यूनकारी कोशिका विभाजन। क्योंकि किस वजह से? इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जा रही? आधी हो जाएगी। क्योंकि जब नर और मादा अपने गुणसूत्रों को मिलाएंगे तभी तो नई कोशिकाओं का जन्म होगा, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। इसीलिए इसको न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। लेकिन जब ये युग्मक बना लेते हैं तो उनमें क्या गुणसूत्रों की संख्या वापस दुगनी हो जाती है। आधी हुई थी, अभी वापस उतनी हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाती है। आधी से बढ़ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे अपन? दुगनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आधी हो जाती है। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या है? दो प्रकार का है अपना, विषमरूपी और समरूपी। इसके अंतर्गत भी विभाजन दो रूप में बांटा गया, विषमरूपी एवं समरूपी विभाजन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जाने का नहीं, बस इनकी टाइप जानना है, विषमरूपी और समरूपी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा अपन ने? कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, परोक्ष या समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन या फिर न्यूनकारी कोशिका विभाजन। आज के चैप्टर में अपना इतना ही है। आगे के चैप्टर में अपन वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरस क्या होते हैं, वायरस संबंधित जानकारी। कोशिका विभाजन अपना यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।